जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपकी स्टडीज़ काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेसन नंबर 9 पे है, ETH 201 के पिछले जो 8 लेक्चर्स हैं हमारे वो अपलोडेड हैं लर्न टुगेदर चैनल पे। और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर्स भी अटेंड किए होंगे और आपके लिए वो हेल्पफुल भी रहे होंगे। तो अभी मैं जो आपको लेक्चर करवाने वाली हूँ, इसको करवाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि आपकी हेल्प होती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। तो इसी के साथ हम अपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो कि लेसन नंबर 9 है, ETH 201 एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, और ये विर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का सब्जेक्ट है। तो देख लेते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यही हैं जो भी हम करने वाले हैं, और आपने सिर्फ मेरी बात को ध्यान से गौर से सुन लेना और जो वर्ड्स वगैरह जो सेंटेंसेस जो थियोरीज हम लोग हाईलाइट करेंगे साथ साथ उनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, उनको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। बाकी आपका सारा पेपर होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और उसमें आपकी सेल्फ राइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा आती है। आपने परेशान नहीं होना है किसी भी तरह से, बस आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, सेल्फ राइटिंग आपने पेपर में करनी है और कॉन्फिडेंट रहना है आपने, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। वो आप कोई भी पेपर दे रहे हैं आपको बस कॉन्फिडेंट रहना होता है कि आप सही लिख रहे हैं और आपके पास नॉलेज है। एक्चुअली हम नॉलेज ही इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं द ड्यूटीज़। चलें जी, देयर आर मैनी ड्यूटीज़ अ मैन हैज़ टू परफॉर्म। बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो कि इंसान ने जो परफॉर्म करनी होती हैं अपनी ज़िंदगी में, इन हिज़ लाइफ। जनरली दीज आर 7 इन नंबर्स एज फॉलो। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी 7 है, ठीक है, ये आपने इम्पोर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। 7 ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटी ऑफ बेनिफेंट्स, अ ड्यूटी टू हेल्प अदर पीपल। अब बेनिफेंट्स की जो ड्यूटी है, कौन सी ड्यूटी है, वो ड्यूटी टू हेल्प अदर पीपल, इंक्रीज प्लेयर, इम्प्रूव करेक्टर। आप किसी दूसरे की हेल्प करते हो, ठीक है, वो बेनिफिट्स होगी। और क्यों करते हो, अपने प्लेयर को अपनी खुशनुदी के लिए कई दफ़ा हम लोग कर रहे होते हैं और कई दफ़ा हम अपने करेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए दूसरों की हेल्प करते हैं। अ ड्यूटी ऑफ नॉन मैलफेसेंस, ठीक है, अ ड्यूटी टू अवॉइड हार्मिंग अदर पीपल। अब हम क्या करते हैं, ये आपने वर्ड जहन में रखने, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इस तरह की ड्यूटी जो कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ओके, ड्यूटी ऑफ जस्टिस, हमारी ड्यूटी ऑफ जस्टिस है हमारे पास। अच्छा जी, अ ड्यूटी टू इंश्योर पीपल गेट व्हाट दे डिज़र्व। जस्टिस करना किसी के साथ, हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो पीपल जो लोग हैं वो जैसे वो डिज़र्व करते हैं, हम उनके साथ वैसे ही चल रहे हैं, उनको उसी तरीके से हम सर्व कर रहे हैं। अ ड्यूटी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हमारी ड्यूटी है। अ ड्यूटी टू इम्प्रूव आर सेल्व्स, अपने सेल्व्स को इम्प्रूव करना, ये भी हमारी ड्यूटी में ही शामिल है। ओके जी, अ ड्यूटी ऑफ रिपेरेशन, ओके जी, अ ड्यूटी टू रिकम्पेंस समवन इफ़ यू हैव एक्टेड रॉन्गली टूवर्ड्स दैम। अब ये भी हमारी ड्यूटी होती है कि हमने अगर किसी के साथ कुछ गलत किया है तो हम उसकी माफ़ी तलाफ़ी करें, सॉरी वगैरह करें उससे। अ ड्यूटी ऑफ ग्रेटिट्यूड, अ ड्यूटी टू बेनिफिट पीपल हु हैव बेनिफिटेड अस, ये भी हमारी ड्यूटी होती है, ग्रेटिट्यूड भी हमारी ड्यूटी होती है। अब ग्रेटिट्यूड में क्या आ जाता है कि हम उन लोगों को बेनिफिट दें जिन्होंने हमें बेनिफिट दिया है। अ ड्यूटी ऑफ प्रॉमिस कीपिंग, अब अपने वादे को पूरा करना, ये हमारी ड्यूटी होती है। अ ड्यूटी टू एक्ट अकॉर्डिंग टू एक्सप्लिसिट
and implicit promises, including the implicit promise to tell the truth. Okay, जी, अपने वादे को पूरा करना ये भी हमारी ड्यूटी है. ओके जी, दीज आर कॉल्ड प्रीमा फेसी ड्यूटीज़. अब आपने ये जहन में रख लेना जी, ये जो ड्यूटीज़ होती हैं इनको हम ये वर्ड दे रहे हैं जी, प्रीमा फेसी, जो कि इम्पॉर्टेंट है. बस जहन में रखें और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात इसमें और है कोई नहीं है, ठीक है. और फिर देख लेते हैं हम, बिकॉज व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू डिसाइड हाउ टू एक्ट, जब कोई शख्स जो है वो डिसाइड करता है कि मैंने किस तरह से एक्ट करना है, ईच ऑफ दीज ड्यूटीज़ नीड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. तो वो इन सब ड्यूटीज़ जो अपने ऊपर पड़ी हैं अभी, इसमें से वो कंसीडर करता है, उनको वो आगे रख के डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना चाहिए. और इसमें आपके पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है, उसको मैं बगैर पढ़े आपके साथ करना चाहती हूँ शेयर. वो कहता है कि देखिए, आपका एक दोस्त है, उसने आपको बोला कि हम ना मूवी देखेंगे, तो आपने उसको बोला जी ठीक है हम मूवी देखेंगे, लेकिन आपने उससे प्रॉमिस कर लिया. लेकिन जब आप रास्ते में जा रहे थे, तो आप प्रॉमिस कीपिंग की हमने देखा ना ड्यूटी है ऊपर. अच्छा, तो आपने देखा रास्ते में कि कोई बंदा आया जिसका जी एक्सीडेंट हो गया. अब आपकी एक ड्यूटी तो वो थी कि आपने अपना प्रॉमिस रखना है, और दूसरी ड्यूटी ह्यूमैनिटी जो है आपने दिखानी है उस पर्सन के लिए, जो कि आपने देखा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, और आपका काम है कि आप क्या करते हो कि अब आप प्रॉमिस कीपिंग देखो अपनी कि मैंने भाई अपने दोस्त से प्रॉमिस किया था, या फिर ये देखो कि जो बंदा अभी इस वक्त जिसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसके लिए एम्बुलेंस बुलाओ और वहाँ पे अपना स्टेटमेंट दो कि हाँ जी मैंने इसके साथ ऐसे होते देखा है. अब इन दोनों में से है तो दोनों ड्यूटीज़, लेकिन आप किसको ज़्यादा आगे रखोगे, जो कि इस चीज़ में आ जाता है कि आप कौन सी ड्यूटी को ज़्यादा सिग्निफिकेंट रख रहे हो, उसको किसको तरजीह ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है. ये दो हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं कभी कभी, और उसमें से हमें देखना होता है कि अब किसकी बेस पे मैंने अपना जो क्या एक्ट करना है. क्लियर हो गया. उसके बाद सोशल जस्टिस की बात करता है वो, तो वो कहता है कि सोशल जस्टिस इज़ बोथ अ फिलोसफिकल प्रॉब्लम एंड एन इम्पॉर्टेंट इशू इन पॉलिटिक्स. वो कहता है जी सोशल जस्टिस जो है वो फिलोसफिकल प्रॉब्लम भी है हमारी, और उसके बाद वो जी इम्पॉर्टेंट इशू है पॉलिटिक्स का, रिलीजन का एंड सिविल सोसाइटी का. ये जहन में रख लीजिएगा. ओके जी, बाकी इसमें से आपके पास और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. ओके, सोशल ऑर्डर. सोशल ऑर्डर इज़ अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन सोशियोलॉजी. ओके जी, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि सोशियोलॉजी में यूज़ होता है, हिस्ट्री में यूज़ होता है, एंड अदर सोशल साइंसेज और कुछ अदर सोशल साइंसेज जिसमें ये यूज़ होता है. क्या जी, कौन सा कॉन्सेप्ट? सोशल ऑर्डर्स का. इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ लिंक्ड सोशल स्ट्रक्चर्स. अब ये रेफर करता है जी जुड़े हुए लिंक्ड सोशल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, एंड सोशल प्रैक्टिसेस विच कंजर्व मेंटेन एंड इन्फोर्स नॉर्मल वेज ऑफ रिलेटिंग एंड बिहेविंग. ये बस इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा इसको. इस तरह की बात पेपर में वो पूछता ही नहीं है. ड्यूटीज़ ऑफ परफेक्ट ओबुलेशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ इम्परफेक्ट ओबुलेशन. अच्छा जी, दिस थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई कांट. ये कांट की थ्योरी थी. ही डिवाइडेड द ड्यूटी इंटू टू काइंड्स एंड मेड डिफरेंस बिटवीन देम. अच्छा जी, ड्यूटीज़ के अंदर दो उसने डिफरेंस बताए थे. उसने पहले तो ड्यूटीज़ को डिवाइड किया टू काइंड्स के अंदर. किसने? कांट ने किया. कांट ने ड्यूटीज़ को टू डिफरेंट काइंड्स के अंदर डिवाइड किया. उसके बाद
उसमें उसने डिफरेंस बताया कि परफेक्ट ओव्यूलेशन ड्यूटीज ऑफ इम्परफेक्ट ओव्यूलेशन अकॉर्डिंग टू दिस रीज़न वी फर्स्ट हैव अ परफेक्ट ड्यूटी नॉट टू एक्ट बाय मैक्सिम्स दैट रिजल्ट इन लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस. ये बस इसमें से आप इतना जहन में रखें कि जी कांट ने ना इसको ड्यूटीज को टू काइंड्स में उसने किया डिवाइड और उसके बाद उसने डिफरेंस बताया जिसमें आपके पास परफेक्ट ओव्यूलेशन होती है और इम्परफेक्ट ओव्यूलेशन होती है. बस इतना जहन में रखें, बाकी इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. इम्परफेक्ट ओव्यूलेशन क्या होती है, तो वी हैव इम्परफेक्ट ड्यूटी विच इज़ ड्यूटी टू एक्ट ओनली बाई मैक्सिम्स दैट वी वुड डिज़ायर टू बी यूनिवर्सलाइज्ड. ये आप बस इसकी एक दफ़ा रीडिंग कर लीजिएगा और इसको मतलब कोई इतना ख़ास नहीं है. रिस्पेक्ट इज़ डिफाइंड इन मैनी वेज. अच्छा जी, रिस्पेक्ट जो होती है उसको बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं उसकी. दैट इज़ द फाइनल एंड कन्फर्म. अच्छा जी, वो कह रहे हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी सेड फॉर एनी डेफिनेशन. कि वो कह रहे हैं कि मैं हम ये नहीं कह सकते कि यही जो है रिस्पेक्ट की फाइनल डेफिनेशन है, तो क्योंकि इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है. अच्छा जी, इन जनरल इट इज़ डिफाइंड एज टू गिव रिगार्ड अदर्स. अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो जनरल टर्म्स में हम उसको यही कहते हैं कि हम उसकी उसको रिगार्ड्स देते हैं. जो लोग उससे जुड़े होते हैं उनको रिगार्ड्स देते हैं. मिस्टर जॉन एस मैकेंजी डिस्क्राइब्ड इन हिज बुक. अब फिर से मिस्टर जॉन एस मैकेंजी की बात कर रहे हैं. वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बुक के अंदर डिस्क्राइब किया अ मैनुअल ऑफ एथिक्स, जिसका नाम अ मैनुअल ऑफ एथिक्स है. इस बुक के बारे में हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं हमारे लेक्चर्स में. मैनी कमेंडमेंट्स ऑफ रिस्पेक्ट. इस बुक के अंदर उन्होंने बहुत सारे जो रिस्पेक्ट के कमेंडमेंट्स हैं उनका जिक्र किया. These commandments are named as follows. ये आपने जहन में रखना है. जॉन एस मैकेंजी की बात की है उसने, उसके बाद उन्होंने बुक की बात की है. बुक का नेम क्या है, अ मैनुअल ऑफ एथिक्स. ये आपने जहन में रखना है. उसके बाद उन्होंने बताया है कि बुक के अंदर उन्होंने बहुत सारे कमेंडमेंट्स दिए हैं. फिर उन्होंने उन कमेंडमेंट्स के नेम्स भी बताए. तो ये आपने जहन में रखना है. ये आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपने जहन में रखने होते हैं. बाकी आपने परेशानी होना था, अपने पास से लिखा करें, अपने पास से अपनी बातें किया करें. और बेस्ट ऑफ लक. रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एक ये कमेंडमेंट है. रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम, रिस्पेक्ट फॉर करेक्टर, रिस्पेक्ट फॉर प्रॉपर्टी, रिस्पेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर, रिस्पेक्ट फॉर ट्रुथ एंड रिस्पेक्ट फॉर प्रोग्रेस. ये आपने ज़रा पढ़ लेने हैं, जहन में रख लेने हैं. ये जो वर्ड है ये मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक साथ ही सीख लें. वैसे मैंने तो सीखा था पहले, लेकिन फिर भी मैंने गूगल सर्च की हुई है, तो हम इसको ज़रा सुन लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो कोई. तो ये वर्ड है कैज्यूस्ट्री. कैज्यूस्ट्री, ठीक है. तो ये आपके पास ये वर्ड आ रहा था, तो उम्मीद है कि इसी लेक्चर में आपने भी ये वर्ड नया सीखा होगा. हमारी वोकैबुलरी भी साथ अच्छी हो रही है. तो हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन. आप यहाँ से देख लीजिएगा. द डिटरमिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन क्वेश्चंस ऑफ कंडक्ट ऑफ कंसाइज बाय एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स. अच्छा जी, हम जब हमारे अंदर ये डिटरमिनेशन होती है कि मैंने अपने जो एक्ट हैं, ठीक है, मैंने कंडक्ट जो मैंने जो काम करने हैं उनको, मैंने जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के उनको सामने रख के करना है, उनको कंसिडर करके करना है, तो उसको हम कैज्यूस्ट्री कहते हैं, ठीक है. तो बस इतना ही है, जहन में रखें आप. बाकी इतना ये कहता है जी जो है ये कैज्यूस्ट्री है इज़ एन अप्लाइड एथिक्स टर्म रेफरिंग टू केस बेस्ड रीजनिंग. ओके जी, तो ये आपने जहन में रख लेना है. बाकी इतना कोई बाकी आपका कंप्लीट हो चुका है. जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने अभी कंप्लीट कर ली हैं. थोड़ी सी चीज़ें थी, आप उम्मीद है कि आपको
समझ भी आई होगी और आपकी हेल्पफुल सॉरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन को भी आप हिट करें और वीडियो को लाइक करें और अच्छे से स्टडी करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन आपके जहन में है फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट्स में बताया करें कि ये एफ़र्ट जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और अगर कोई इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं वो भी शेयर किया करें कि इसको ऐसे होना चाहिए था। आपकी जो राय है वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि अभी हम आपने जैसे देखा होगा चैनल का नेम भी लर्न टुगेदर है, तो अभी हम सब सीख रहे हैं, तो सीखने का जो प्रोसेस है ये बड़ा मज़ेदार होता है, तो इसको अगर मिल के सीखा जाए तो और भी मज़ा आता है। तो आप ज़रूर फीडबैक दिया करें, बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो फीडबैक में ज़रूर बताया करें ताकि मेरे लिए पॉजिटिव रहे, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं होता अपने टाइम में से टाइम निकालना और इसको करना। और अगर आपको किसी असाइनमेंट में हेल्प चाहिए और आपके पास असाइनमेंट का सलूशन नहीं है तो प्लीज़ मेरे साथ आप इसी में मुझे कमेंट्स में ही बता दें, या फिर मैं आपको लिंक में अपना ईमेल एड्रेस दे देती हूँ और आप मुझे ईमेल कर दें तो हम मिलके जो है ना आपके असाइनमेंट्स का सलूशन उस पर मैं वीडियो बना दिया करूँगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपना या LMS और उसका पासवर्ड, या फिर आप मुझे अपना जो क्वेश्चन है जो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है उसको आप मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, उस पर वीडियो बनाई जाएगी और उस पर आपको फुल जो है हेल्प की जाएगी। और मेरी कोशिश होगी कि आपकी हर तरह से हेल्प हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उस। और अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।